हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। अस्पताल में सिद्धार्थ शुक्ला, क्या डॉक्टर्स ने दी 20 दिन तक बेड रेस्ट करने की सलाह। बिग बॉस 13 के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला की बीते कई दिनों से तबीयत खराब है। तबीयत बिगड़ने की वजह से सिद्धार्थ को बिग बॉस ने सीक्रेट रूम में रखा था ताकि वो वहाँ पूरी तरह से आराम कर सके और अपनी सेहत का ख्याल भी रखे, लेकिन सिद्धार्थ की तबीयत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जा रही है। सिद्धार्थ का टाइफाइड काफी बढ़ गया है जिसकी वजह से उन्हें सीक्रेट रूम से निकालकर अब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर्स की टीम ने सिद्धार्थ को कम से कम 20 दिन के लिए बेड रेस्ट बताया है। इसके साथ ही ऐसी भी खबर है कि डॉक्टर्स की टीम ने शो में सिद्धार्थ का इलाज करने से मना कर दिया था क्योंकि वहां रहकर उनका बेहतर तरीके से इलाज होना संभव नहीं था। सिद्धार्थ की तबीयत को देखते हुए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। नई रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ की सेहत में सुधार तो है, लेकिन डॉक्टर्स अभी उन्हें बिग बॉस के घर में वापस नहीं भेजना चाहते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सिद्धार्थ को काफी कमजोरी हो गई है और उन्हें सही डाइट की जरूरत है जो बिग बॉस में मिलना संभव नहीं है। इसके साथ ही उन्हें स्ट्रेस से भी दूर रहना होगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सिद्धार्थ को उनकी फैमिली से मिलने या घर जाने की भी इजाजत नहीं है क्योंकि उन्होंने बिग बॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए हॉस्पिटल से सीधा सिद्धार्थ बिग बॉस के घर में ही एंट्री करेंगे। फिलहाल तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, क्या बिगड़ती तबीयत की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला शो को छोड़ देंगे। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर्स उन्हें 15 से 20 दिन तक बेड रेस्ट की सलाह दे रहे हैं, उसके बाद देखना होगा कि सिद्धार्थ क्या फैसला लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।